आप लोग का हो गया नाश्ता सर, नाश्ता सब कुछ सब हो गया? रात को उन्होंने बेडशीट, पिलो और ट्रेन तो बहुत अच्छी है ऐसे, पर मैं रात को शूट करना भूल गई थी क्योंकि मैं खुद अपना टेंशन में थी, तो ब्लैंकेट और सब कुछ दिया है। अभी उन्होंने न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया है और नाश्ते में नाश्ता दिया है, नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट है और कटलेट्स था और चाय भी है। चाय रखी है, तो चलिए गाइस। इंटीरियर बहुत अच्छा है दुरंतो का और क्लीनलीनेस भी अच्छी है। क्लीनलीनेस में मैं मार्क्स दूंगी उनको 10 out of 5 मार्क्स दे सकती हूँ, ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ क्योंकि 5 out of 10 5 out of 10 होंगे 10 out of 5 5 out of 10 कैसे दे सकती 5 को 10 10 out of 5। तो गाइस चलिए चाय और नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ी देर में। खूब ठंडी थी रात को और पर नींद अच्छे से आ गया, मॉर्निंग में नींद खुला है हमारा और बस देखिए ट्रेन मूव कर रही है, सीट कर रही है। तो गाइस इस तरह से चार्जर का पॉइंट है और मैं अपना मोबाइल चार्ज कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके तो गाइस चलिए चाय नाश्ता कर लेते हैं हम लोग और ये हो रहा है। ऑमलेट खोल के दिखा। तो गाइस ये आया है दाहोद स्टेशन, पता नहीं रात को कौन सा स्टेशन पे स्टॉप करी थी, कोटा पे स्टॉप था पहला और उसके बाद रतलाम और वडोदरा, फिर वडोदरा, वडोदरा पे यहाँ पे एक थे, वडोदरा पे अभी आएगा, वडोदरा भी आया नहीं है, वडोदरा भी 1 बजे स्टेशन आएगा और ये पता नहीं दाहोद पे ट्रेन रुक रही है या स्लो हुई है, रुकेगी नहीं शायद, लगता है दाहोद पे रुक नहीं रही है, सिर्फ ट्रेन स्लो हुई है गाइज। और मैंने बहुत सालों के बाद फर्स्ट टाइम ट्रेन जर्नी की है, बहुत साल हो गए ट्रेन जर्नी मैंने कभी की नहीं थी और मैं खुद भी खूब डर रही थी कि कैसे क्या होगा, क्योंकि हम कल रात को 3 बजे से इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे, हमारा दिल्ली का काम सब हो गया था और 3 बजे से हॉस्टल, अतिथि का हॉस्टल खाली कर दिया था हमने और हम निकल चुके थे सामान लेके, और फिर बाद में ट्रेन तो थी 11:30 बजे की, हमने सोचा वेटिंग रूम में जाके बैठेंगे पर सामान बहुत था तो वेटिंग रूम में नहीं बैठे, जाके हम लोग जो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली थी वहीं बैठे। तो गाइस चलिए ट्रेन तो रुकी नहीं दाहोद पे, फिर नेक्स्ट स्टॉप कोई आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक नाश्ता कर लेती हूँ। गाइज अगर आपको ये ढूंढना है वेर इज़ माई ट्रेन, हम कहाँ पे हैं, तो आपने ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेने का, यही ऐप का नाम क्या है, वेर इज़ माई ट्रेन। ओके और फिर आप इसको ये करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी ट्रेन कहाँ पे है, अभी अपनी ट्रेन कहाँ पे है। हमारी ट्रेन अलिंद्रा रोड पे है, पेलो कहाँ पे दिख रहा है। ओके
अभी ये हमारी ट्रेन। तो गाइस ये देखिए, ये हमारी ट्रेन यहाँ पे है अलिंद्रा रोड पे अभी चल रही है। तो इस तरह से ये ऐप से आपको अच्छा पड़ेगा, ट्रेन में अगर आप जर्नी कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ पे पहुँचे हो और अभी आपको नेक्स्ट स्टॉप कौन सा आने वाला है। तो वेयर आई एम ना, वेयर इज माई ट्रेन, वेयर इज माई ट्रेन, ये ऐप का नाम है वेयर इज माई ट्रेन। सब पियाना नंबर, जंक्शन, गाड़ी कितना बजे छुट्टी, बर्थ, सीट, सब मिलता, सब कुछ आपको इसमें, आपको ये ऐप में मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है, आप ये वाला ऐप डाउनलोड करके कहीं भी ट्रैवल करना है तो आपको बहुत बहुत फैसिलिटी हो जाएगी। आपने वो ऐप में ट्रेन नंबर डाल देना है और बोगी नंबर डाल देना है तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा, आपको जो भी सर्च करना है वो। हाँ, सिर्फ ट्रेन का नाम डालोगे ना तो कहाँ से कहाँ ये ट्रेन पहुँचेगी, कौन सा स्टॉप आएगा, कैसा, आपको उसमें सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा। ऐप का नाम, बुकिंग के लिए भी आप उसमें आप ये कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो ऐप का नाम फिर से बताइए मुझे, वेयर इज माई ट्रेन। ओके, तो ये वाला ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको कहीं जाना है तो, सब कुछ आपको उसी में मिल जाएगा। एक और ऐप है IRCTC। देखिए गाइस ये वाला है, ट्रेन हिल रही है इसलिए मुझे बराबर से बताने को नहीं आ रहा है, मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे ये सब है। तो इसमें आप क्या क्या बुकिंग करवा सकते हो, एयर टिकट रेल टिकट सब कुछ इसमें बुक हो जाएगा गाइस। तो आपके लिए मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, ये वाला ऐप है, ठीक है, दिस वन, ये वाला एयर का है, रेलवे का। हाँ, तो गाइस आपको उस अगर ऐप आप डाउनलोड कर लेते हो, आप तो जानते ही होंगे पर फिर भी मैं आप जो नहीं जानते उनको, मेरे व्यूअर्स को बता देती हूँ कि वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत फैसिलिटी हो जाएगी। देखिए, ठीक है गाइस, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रेन में जर्नी कर रही हूँ और ये बाल कहाँ से आ रहे हैं। तो गाइस यही सब इससे ही हम लोग ने सब सर्च मार के सब कुछ किया है ये दो ऐप से ही, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हो कहीं जाना हो तो आपको। गाइस अभी हम लोग पहुंचे बड़ौदा स्टेशन, चाय पी रहा हूँ। गाइस ये आया है सूप, टोमेटो सूप है और मैंने थोड़ा सा ट्राई करके देखा, बहुत अच्छा है। उसके साथ आया है ये बटर, ब्रेड स्टिक और काली मिरी, सॉल्ट पेपर है, सॉल्ट और पेपर पाउडर दोनों आया है और सूप बहुत टेस्टी है। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया गाइस, पर मैं आपको बताऊं सुबह अच्छा टेस्टी। और मैं सोच रही थी ट्रेन में ना खाना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन इन्होंने नाश्ता भी अच्छा दिया था, अब ये सूप भी बहुत अच्छा और इनकी चाय भी अच्छी थी गाइस। मतलब इनका खाने का जो कैटरिंग है, पेंट्री है, वो बहुत अच्छा है और टेस्टी फूड टेस्टी है, दुरंतों का फूड बहुत टेस्टी है। अब देखते हैं अब लंच में क्या मिलता है। तो जय ने वेज लिया है, हम लोग ने नॉन वेज लिया है, तो देखते हैं। सुबह वेज में कटलेट्स आया था। गाइस ट्रेन हिल रही है, वीडियो शेक हो रहा है तो प्लीज डोंट माइंड। तो चलिए अब आप भी मेरे साथ सूप का मजा लीजिए, मैं टेस्ट करके बता दी हूँ आपको कैसा था। बॉम्बे सेंटर में पार्किंग कहाँ रहेगा, मतलब गाड़ी का पार्किंग है क्या स्टेशन के बाहर? ओ भैया, तो
रास्ते में ट्रेन रुकी है, पता नहीं शायद सिग्नल नहीं होगा इसलिए रुकी है ट्रेन। और यहाँ पे गाइस खेत ही खेत दिख रहे हैं। हम लोग ने बड़ौदा क्रॉस कर लिया है और सूप बहुत टेस्टी था। और ये देखिए खेत, अब पता नहीं 2 मिनट हुई ट्रेन रुकी है, कब चालू होती है। गाइस ये भरू स्टेशन है पर यहाँ रुक नहीं रही है ट्रेन, सीधी बड़ौदा से बॉम्बे सेंट्रल ही पहुँचने वाली है। पर स्टेशन आया तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ कि भरू स्टेशन पहुँच गए हैं। अब यहाँ से तो बहुत पास में है, तो गाइस लंच टाइम हो गया है और खाना आ गया है। मैं आपको खोल के बताती हूँ क्या क्या है। ओके वेज खाना और ये है नॉन वेज खाना। वेज में आपको पनीर की सब्जी दी है और नॉन वेज में आपको चिकन मिल रहा है और दही है, कर्ड है, पिकल है, रोटी है, राइस है, दाल है। और गाइस खाने का स्मेल अच्छा आ रहा है, मतलब खाना बहुत टेस्टी है। मेरे यूट्यूबर से सबसे बात कर लो आप। थैंक गाइस, इन्होंने अमूल का आइसक्रीम प्रोवाइड किया है। बेटा ये अमूल का है ना, देखो अमूल का आइसक्रीम प्रोवाइड किया है खाना खाने के बाद। तो दुरंतो की आफ्टर ऑल पूरी सर्विस बहुत अच्छी लगी। अब थोड़ी देर में बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन आ जाएगा तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अगर मैं ज़्यादा पक पक करूँगी तो मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी, तो गाइस पहले आइसक्रीम खा लेती हूँ। तो गाइस देखिए ट्रेन चल रही है और खाना पीना हो गया है सब, अब आइसक्रीम भी खा के हो गया है और बस 1 घंटा रिलैक्सिंग पीरियड और उसके बाद 4:15 बजे हमारी ट्रेन पहुँच जाएगी बॉम्बे सेंट्रल। तो गाइस मुझे ये दुरंत एक्सप्रेस का ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में ऑलवेज प्लेन में जाते रहते हैं पर कभी कभी समथिंग एल्स भी ट्राई करना चाहिए। तो अगर आपको कहीं जाना है, अगर दिल्ली जाना है तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। और एक्चुअल में क्या हुआ, हमने राजधानी का टिकट लेना था पर राजधानी फुल बता रही थी। वेटिंग वाला टिकट लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, वेटिंग वाला टिकट लेंगे पर फिर नहीं कन्फर्म हुआ तो, इसलिए हमने ये दुरंतों का निकाला। पर इसका मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आया और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं सोच रही थी कि कैसे मैं इतना टाइम निकालूंगी, रात को 11:30 बजे बैठना है, 11:15 का ट्रेन है दिल्ली से और रात को 11:15 बजे बैठना है और उसके बाद मुझे पहुंचना है दूसरे दिन 4:30 बजे। पर कोई नहीं, अच्छे से टाइम पास हो गया, रात को नींद भी बहुत अच्छे से आई। और दिल्ली में बहुत ठंडी थी, मतलब कुल्फी जम गई थी हमारी, पर अब हम गुजरात में एंटर हो गए हैं तो अच्छे से गर्म हो रहा है, अच्छे से मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोग को हमेशा का आदत रहता है। तो गाइस अगर मेरा यह दुरंतो एक्सप्रेस का जर्नी आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर, सॉरी चैनल नहीं, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मस्ट ट्राई ये दुरंतो ट्रैवल जर्नी, आप भी एक बार ट्राई कीजिए। सेम राजधानी और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क है। वो वहाँ से 4:30 बजे चलती है दिल्ली से, तकरीबन 4:15 या 4:30 बजे चलती है और उसके बाद, और ये चलती है वहाँ से 11:15 बजे। तो गाइस सिर्फ टाइम का डिस्टेंस है, बाकी का सब पेंट्री वगैरह वो सब सेम है और खाना पीना भी बहुत अच्छा है।
तो गाइस हमेशा प्लेन में जाते रहते हैं पर कभी कभी ट्रेन का जर्नी भी एंजॉय करना चाहिए। और ये मैं बहुत सालों के बाद आज आई हूँ ट्रेन में और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, सी यू।